मॉर्निंग ऑल, गूगल सबके ले गए हैं। जा रहे हैं हम सफारी करने के लिए, वेलकम रोड वॉक, अरे टाइगर सफारी करने के लिए। अभी से कहे नहीं लो, बढ़िया टेंडर किया हुआ है, अभी अभी निकल गए हैं सफारी करने के लिए। भाई है हमारे ड्राइवर साहब, और ये राजेश भाई है हमारे गाइड साहब। मॉर्निंग का हमको 6:30 का टाइम मिला था, लेकिन हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत लेट आएगा, तो हमने नाश्ता पानी कुछ नहीं किया और फटाफट से कैंटर पकड़ा, क्योंकि बाहर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे हमारे जो ड्राइवर साहब है। तो मत पूछो, वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, वरना मैं क्या था कि हाथ में ही शूज़ वो सब लेकर दौड़ पड़ा था, और कैंटर में आके फिर मैंने पहना, और शर्ट भी नहीं डाला था, तो वो सब कुछ कैंटर में आके पहना, उसके बाद हम चले आगे की तरफ। બસ આજ રિસોર્ટમાં આપણું બુકિંગ કરવાનું છે, પાછા છૂટશે તો यहाँ पे सब कैंटर लगती है, आईडी कार्ड दिखाना होता है सबका, उसके बाद एंटर होने वाले हैं जंगल में। आगे लो मैं आगे। हमने जोन 3 लिया था यहाँ से। अबार हो रहा होगा जी बाबू। हाँ मनमान आगे मनमान। मैं एंट्री करा रहा हूँ, देखा पुणे। आज जब भी यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे कैंटर भी हो तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यहाँ पे रजिस्टर करवाने के बाद ही आप एंटर कर सकते हो, अंदर की तरफ सफारी कर सकते हो। तो अभी हमें पैसेंजर की वेट कर रहे हैं, वो भाई साहब लेट है हमारे जो पैसेंजर है जिससे वो अभी यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमारे जो 3 पैसेंजर अभी आने वाले थे उनकी वेट कर रहे थे, और आप देख सकते हो कि मैंने कैब परचेस कर लिया है। अभी जहाँ पे जाते हो तो उसका भी फील होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने कैब परचेस कर लिया था, बहुत ही बढ़िया कैब थी। एंटर हो चुके हैं अभी सफारी के लिए, अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारी सफारी। अभी आगे जो है एक मंदिर आने वाला है, गणेश मंदिर। थोड़ा बहुत वीडियो चेकिंग रहेगा क्योंकि जो हम बैठे हैं कैंटर में, इसलिए एंटर हो चुके हैं हम जंगल में। रणथंभौर टाइगर रिसोर्ट,
ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, वो जंगल में अंदर तरफ जाने का रास्ता है। यहाँ से ही गणेश मंदिर आता है, फोर्ट की तरफ जाता है ये रास्ता। पूरा पूरा साइड से घना जंगल है और शाम के टाइम पे यहाँ पे अलाउ भी नहीं है किसी को चलते हुए, पैदल चलते हुए जाना, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे गाइड साहब है उन्होंने बताया कि भाई ये पैदल चलते लोगों पे भी टाइगर अटैक कर लेता है कई बार। तो मतलब काफ़ी बढ़िया जंगल है यहाँ। मैं यहाँ पे होप करता हूँ कि कुछ ना कुछ दिख जाए मुझे भी, और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम थ्रू दिखा सकूँ। और मैंने जो लिया है वो जोन 3 लिया है। काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने यहाँ पे जोन 3 सिलेक्शन किया हुआ था। तो देखते हैं, अगर किस्मत मेहरबान हुई तो आपको भी टाइगर दिखने को मिल जाएगा और मुझे भी मिल जाएगा। जोन नंबर 2 है अपना, ये जोन नंबर 3। मैं एंटर हो चुके हैं अभी जोन नंबर 3 में। देखो भाई गाड़ियाँ नील गए आ गई है। अपना गांधीनगर बहु मिले गणेश मंदिर यहाँ पे। आपको आगे का व्यू थोड़ा सही नहीं दिखता होगा क्योंकि पूरा जो ग्लास है उस पर छींटे पड़े हुए थे, और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनको टाइम भी नहीं मिला ग्लास साफ करने का। यहाँ हम इसलिए रुके थे क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे किसी को अगर समझ जाओ रिलैक्स होना हो तो यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद एक जंगल में एंटर होने के बाद कहीं पर भी कार जो हमारा कैंटर है उससे नीचे उतरना अलाउ ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि यहाँ पे एंट्री भी करवानी पड़ती है कौन सी गाड़ी जोन 3 में जा रही है, क्योंकि जो लिमिटेड कैंटर ही जो होती है वो जाती है और लिमिटेड जिप्सी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे रुके थे सब लोग फ्रेश हो जाए और उसके बाद हमारा जो जंगल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको भी एंजॉयमेंट रहे पूरे जंगल का। कोई टैग वगैरह नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो एक तो गाड़ी चल रही हो जब आप कोई खड़े ना हो, और कुछ भी आपको बिस्किट वगैरह खाना खा लें, पर कुछ रैपर वगैरह बाहर नहीं डालें, प्लास्टिक बोतल वगैरह। एक आवाज़ ना करें क्योंकि एनिमल यहाँ गाड़ियों से तो इनसे यूज्ड हो, पर अपन बोलते हैं ना तो थोड़ा डरते हैं। और अभी अपना सेक्टर नंबर 3 है तो देखते हैं कौन सा क्या मूवमेंट होता है, ढूंढते हैं जी। कोशिश तो पूरी यही रहेगी सबको दिखे। अब मैम जो होगा आपके सामने आएगा। अभी हम एंटर हो चुके हैं जंगल में। अभी जो आगे आपने स्पीच सुना वो उन्होंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई साहब कहीं किसी को भी कैंटर में आवाज़ नहीं करना है, अगर कोई जंगली जानवर आपको सामने मिल जाए तो ठीक है चुपचाप बैठे रहना है। अगर कुछ भी रैपर या चॉकलेट कुछ भी खाया हो तो उसका जो रैपर है वो जंगल में नहीं डालना है, ठीक है, वो अपने साथ लेके वापस से जाना है। और ऐसा था कि ये यहाँ पे जो टाइगर हैं उनको कहीं पे भी कॉलर लगाया नहीं है, वो फ्री है। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कॉलर लगाया है ट्रेस करके हम वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको जो दिखेगा वो नेचुरल ही दिखेगा वहाँ पे। हाथ अंदर रखना, हाथ अंदर रखना, हाथ आप जो ये ब्लॉग देखोगे ना उसको पूरा नेचर के साथ ही कनेक्टेड रखा हुआ, कोई भी म्यूजिक ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। आपको वही शोरगुल सुनाई देगा जो मैंने जंगल में फील किया था। फोटो निकाल लिया, डायल है।
वो किनारे पे लेटा हुआ आप देखेंगे सामने, आराम से बोले ना आप देखें बस, वो देखो सामने ना हिरन वाली जो पानी की लाइन है, आप जाके देखो किनारे पे लेटा हुआ है, दो तीन लेटे हुए। क्रोकोडाइल है वो, जूम करके अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो आपको दिख रहा है ना, वो क्रोकोडाइल है। अपन यहाँ बाद में भी आएंगे, पहले अपन अपना जो एरिया ना इसको पेट्रोल कर लेते हैं ना, डियर वगैरह काफी दिखेंगे तो आप बैठ जाएं एक बार, पूरा अपना एरिया पेट्रोल कर लेते हैं। चलो झाड़ ऊपर जो हमको जो सामने से जिप्सी मिली उसने ऐसा बताया कि सामने की तरफ आपको बालू मिल जाए थोड़ी देर आगे जाने के बाद, तो आराम से जाइएगा आपको बालू देखने को मिल जाएगा। तो हम उस दिशा पे अभी चल दिए हैं हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनको टिप मिलने के बाद। सांबर है, ड्यांबर है, सांबर है बड़ा हिरन। बोल बोल ना। कटी कोई बार रेंज? कटी कटी क्यों रेंज? बीच में पेड़ आ गया आपका। वो बीच में पेड़ आ गया था पीछे ना तो मालूम पड़ा। अभी दिखेगा, अभी आग लेंगे पर पीछे जगह आग लेंगे। क्या जगह? थोड़ी आग ली चौड़ा सब आग ले पूरा पड़ा पड़ा और आग ले इधर एक आध गाड़ी को भालू दिखाता कहीं, ये वेट कर रहे हैं देखते हैं अपन इधर गाड़ी में था, एक दो मिनट वेट करते हैं कहीं नीचे उतर के आएगा तो।
केंटर आपने आए हुए यहाँ ले बियर है बड़े वाले नाम बड़ा मैंने भी जूम करने के बाद देखने का ट्राई किया था लेकिन मुझे कहीं पे भालू नहीं दिखाई दिया, तो अभी मैं भी सर्च कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। अगर कुछ मिल जाता है तो पक्का कैमरा वही का वही है, ठीक है, तो आप देखिएगा। रास्ता कच्चा ही है, ऐसी तरह ही है पूरा रास्ता। अभी गाड़ी का इंजन का भी शोर आपको आता होगा, सॉरी, लेकिन अभी क्या है कि हम जो कैंटर में बैठे हैं ना, तो उसी हिसाब से उसका गाड़ी का जोर भी ज़्यादा लगता है गाड़ी को ऊपर ढलान में चढ़ाने के लिए। हम मॉर्निंग में 6 o'clock से सफारी स्टार्ट होती है यहाँ पे, और लिमिटेड टाइम पे ही आ जाती है, 10:30 बजे के बाद 11:30 लास्ट टू लास्ट मॉर्निंग की सफारी होती है, और शाम को 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सफारी होती है यहाँ पे। और ये भी ऑनलाइन आपको बुकिंग करवाना पड़ेगा, आपको जो मैं लिंक है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा मैं, तो वहाँ पे जाके भी आप अपने हिसाब से टिकट बुक कर सकते हो। राजस्थान गवर्नमेंट का ही है ये साइट जो है वो, मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवाया था, सब आईडी वो सब कुछ सबमिट करके। देखो ढलान कितनी ज़्यादा है, मतलब चढ़ाई, ढलान नहीं चढ़ाई कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। हम यहाँ पे गाड़ी भगा के लेके आए थे क्योंकि ड्राइवर साहब को पता नहीं कुछ बर्ड्स का आवाज़ सुना दिया, और गाइड साहब को भी कुछ इंटेंस हो गया, तो उन्होंने बोला कि फटाफट से अपना गाड़ी भगाओ, वो टाइगर दिखेगा अपनों को, ऐसा कुछ सिम्टम उनको मिल गया था, तो गाड़ी भगाया था फुल स्पीड में उन्होंने। लो जी, गाड़ी भगाने का फुल बेनिफिट मिल गया हमको। 2 मिनट पहले यहाँ पे टाइगर आके पानी में बैठा हुआ था। टाइगर टाइगर है, आवाज मत करना, टाइगर है। फाइनली जॉन 3 में हमारा टाइगर दिख गया भाई, जो इसके लिए हम आए थे। फाइनली टाइगर दिख गया हमको, और दिल को जो सुकून मिला है ना, उसका कुछ बयान ही नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही नज़दीक से हमको टाइगर दिख गया। टाइगर को भी पता चल गया कि मेरी वीडियो ले रहे हैं, तो उन्होंने भी पोज देना स्टार्ट कर दिया। फिर टाइगर साहब का मूड नहीं बना तो उठ के चले गए अभी अलग जगह पे।
गाड़ी में चला भी होने करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना बहुत अच्छा। हाँ क्या अकेला रहता है आपके घर में तो ग्रुप में रहते हैं सर, ये तो अकेला रहता है, अकेला रहता है 50 स्क्वायर किलोमीटर इसका एक का रेडिएशन कितना है 50 स्क्वायर किलोमीटर 50 स्क्वायर किलोमीटर एक टाइगर का टाइगर बैठ वापस आपका देखोगे सर दिख गया जो देख रहा था अच्छा दिख रहा है वही ना सर साइटिंग जबरदस्त बनता है ना पार्टी बनता है बनता ये ड्राइवर साहब का मेहनत है ये रिद्धि फीमेल टाइगर है काफी दिनों बाद इतना अच्छा साइटिंग हुआ बहुत दिनों बाद कल किसी को दिखा था पर नाले में सो रहा था कहीं अभी चलेंगे बैठिए आप लोग सब प्लीज अब बैठिए सर बैठिए टाइगर नहीं दिखता अपना फर्स्ट में दिख गया सब काय बात कर रहे बाबू जी ऐसे को नार दिखे नहीं है ये नीचे जा भी ना दादा नीचे जा रहा है ना मम्मी अटका सुने अटका सुन अरे परेशान मत हो नार गए नीचे ज्यादा परेशान मत हो चल बात पीछे अरे सांबर है वहां जाके मत हड़ीम गए नार अटकल तो अटकल कर ले ट्रैक्टर चलाना बढ़िया ट्रैक्टर है नीला बढ़िया शॉट आया अरे जबरदस्त जबरदस्त शॉट आया धीरे 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 इस वीडियो को फुल देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अभी जो पार्ट 2 आने वाला है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है, जहाँ पे हमने क्रोकोडाइल और बर्ड हंटिंग किया था। काफी सुंदर नजारा था और बहुत ही एंजॉय रहा था ये ट्रिप में हमको। तो मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने लोगों का खास ध्यान रखिएगा।